बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और मटर की टिक्की बनाने की रेसिपी, जिसके लिए मैंने ये आधा किलो आलू बॉईल करके मैश करके रख लिए हैं। इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए तो ये बहुत क्रिस्पी आलू की टिक्की बनेगी। ये मैंने एक कप मटर लिए हैं जिसको मैंने बॉईल करके रख लिया है और भून के, बिल्कुल सूखे मटर होना चाहिए। ये एक बड़े साइज की प्याज महीन काट के रख ली है। ये हरा धनिया महीन कटा हुआ है, हरी मिर्च महीन कटी हुई है। ये चाट मसाला है, ये होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये है आलू भुजिया, ये है मीठी चटनी, इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ अपने चैनल पे। ये है मीठा दही, दही में शक्कर मिला के मीठा बना के मैंने रखा हुआ है। और ये है 4 चम्मच चावल का आटा, और ये है ऑयल टिक्की बनाने के लिए। अब हम चावल का आटा आलू में मिक्स करते हैं। अब हम ये मैश किए हुए आलू में ये 1/2 चम्मच नमक मिला देते हैं, और इसमें हम मिलाएंगे ये चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं। ये मिलाने से टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें नमक और चावल का आटा मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। ऐसे ऐसे करके इसकी इस तरह से हम टिक्की बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं टिक्की मैंने बना करके रेडी कर ली है। अब मैं फ्लेम को ऑन करूंगी। चूल्हे पे तवा चढ़ा दिया है। टिक्की बनाते टाइम आप आलू अच्छी तरह से मैश भी कर सकते हैं, या इसे आप कद्दूकस कर लें, तभी भी टिक्की बहुत ही अच्छी बनती है। तवे पे अब हम तेल डालेंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ तेल फैला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि टिक्की बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी ये बन रही है। ऐसे ही हमें सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई कर लेना है इसे। चलिए, अब मैंने सारी टिक्कियों को फ्राई करके निकाल लिया है एक प्लेट में। अब हम इसे बना के भी दिखा देते हैं, इसे हमें सर्व कैसे करना है। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा चाट मसाला। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये मीठी चटनी। इसके बाद पड़ेगा इसमें मीठा दही। डालेंगे ग्रीन चिली महीन कटी हुई, प्याज, और ये है महीन कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे ये आलू भुजिया।
तो आप देख सकते हैं कि झटपट से कितनी मजेदार सी चाट बनके तैयार हो गई है टिक्की और मटर की। तो अगर आपको मेरी ये चाट की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए, और जो मेरे चैनल पे पहली बार है वो हमें 1 टाइम सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।